कांग्रेस के राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज किया है। यह पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय ने सिंधिया के बारे में दो टूक राय दी हो। दोनों का द्वंत उस समय से जग जाहिर है जब दोनों कांग्रेस में ही थे और अब सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद तो दिग्विजय के हमले और भी तेज हो गए हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर थे। जब उनसे पूछा गया कि सिंधिया खुद को जमीनी नेता बताते हैं और कांग्रेस को हवा हवाई बताते हैं, तब दिग्विजय सिंह ने सिंधिया की पुरानी बातों को याद करते हुए बताया कि कांग्रेस ने सिंधिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी सिंधिया ने सरकार गिराकर उन्हीं शिवराज सिंह चौहान का साथ दिया जिनके बारे में सिंधिया पहले कहते थे कि शिवराज सिंह के हाथ खून से रंगे हुए हैं। दिग्विजय की माने तो कांग्रेस ने सिंधिया को बहुत कुछ दिया, इसीलिए सिंधिया से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वह कांग्रेस छोड़ देंगे। दिग्विजय इतने पर ही नहीं रुके बल्कि यहां तक कह गए कि सिंधिया परिवार के पुरखे भी आज सोच रहे होंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करके अपने परिवार की प्रतिष्ठा गिराई है। सिंधिया जी के बारे में एक ही बात मैं कहूंगा कि उनसे हमें उम्मीद नहीं थी, जो उन्होंने किया क्या कांग्रेस ने उन्हें नहीं दिया। कांग्रेस के शासन काल में कितनी सरकारी जमीनें उनके पक्ष में की गई, ग्वालियर वालों को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। यही नहीं है, क्या क्या उनको नहीं मिला, उसके बावजूद भी वे छोड़कर चले गए और सरकार गिरा दी। जिस सरकार के बनाने में नरेंद्र मोदी जी के और शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे खून से हाथ रंगे हुए हैं, जितना ही धो लो वो मिटने वाले नहीं हैं, आज उनकी ये प्रशंसा कर रहे हैं। आज उनके पुरखे भी सोच रहे होंगे सिंधिया जी के, कि ऐसा करके उन्होंने अपने प्रतिष्ठा परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय और सिंधिया के एक दूसरे पर बयान हमेशा ही राजनीतिक हलचल पैदा करते रहते हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी चौकन्ने हो गए हैं। अब देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके समर्थक दिग्विजय सिंह के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।